देख रहे हो क्या गाड़ी चला रहे हैं, देखो। अरे अरे अरे, चलो भैया पुलिस वाले पकड़ लिए हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले। चालान एंड फलान दोनों भरो भैया। भाई निकलते हैं एक छोटी सी राइड पे, एक खड़ी थी अपनी अप्सरा। चौदह दिन के बाद कर ली, इसका इतना बुरा हाल हो रखा था ना, अभी वीडियो में देख लो कि एकदम पूरा पूरी गंदी हो रखी थी। कल रात में मुझे टाइम नहीं मिला ऑफिस में, नहीं तो बाइक धुल दिया होता। तो अभी निकले हैं छोटी सी राइड पे कि थोड़ा इसका भी वार्म अप हो जाएगा, घूम फिर ले भी यार। चौदह दिन से स्कूटी स्प्लेंडर चला चला के ऐसा हो गया था ना कि जैसे 14 दिन बाद जब इसको चलाया हूँ ना, तो इतना अच्छा जैसे लग रहा है, पिकअप दे रही है ना गजब के। ये है कि बैटरी डाउन नहीं हुई थी इसकी। अब जब भी मैं घर जाता हूँ तो डर लगा रहता है कहीं बैटरी ना डाउन हो जाए, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि घर निकला, शायद वो बैटरी ख़राब हो गई या फिर यार क्या हुआ अभी नहीं पता, खामखा मुझे बैटरी चेंज करानी पड़ी थी। बैटरी डेड हो गई थी, फिर वो बढ़िया चार्ज भी नहीं हो रही थी, इसीलिए उसको सोचे कि हटा ही दो यार। इसीलिए जब भी घर से आता हूँ ना, तो ये लगता है कि भाई बैटरी डेड ना हो जाए या फिर डिस्चार्ज ना हो जाए, नहीं तो फिर चार्जिंग के लिए दो। इसीलिए अगर मैं सोच देखता हूँ ना कि मुझे 10 दिन से ऊपर गांव में रहना है, तो फिर मैं सोच तो भाई बाइक ही लेके चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही आसान पड़ता है बाइक। कभी कभी जैसे अभी जो हमारी ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है माइक से ही हो रही है, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है ना से कभी आवाज़ फटफट की आवाज़ आ रही है। अब इसलिए हो रहा है अब ये नहीं पता है, कोई नहीं वायरलेस माइक ले लूँगा सबसे बढ़िया रहेगा, तभी नहीं लूँगा। अभी थोड़ा हाथ में कुछ है नहीं, तो हाथ में कुछ आने दो फिर लूँगा यार, लेना तो बहुत कुछ है, अपना सपना भी पूरा करना है भाई। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा ना तो जल्दी ही पूरा हो जाएगा यार। तो अभी टाइम हो रहा है 3:50, ये देखो हम लोग दोपहर के बाद निकले हैं, हम लोग बोले तो मैं और मेरी अप्सरा। पता नहीं वीडियो एंगल सही आ रहा है कि नहीं, उम्मीद करता हूँ एंगल सही आ रहा हो और ऑडियो क्वालिटी भी सही आ रही हो, क्योंकि मैंने एंगल पहले जो था ना सेट करके रखा था किसी एंगल पे शूट करूँगा। अब सुबह में निकला हूँ तो शॉर्ट वीडियो के लिए थोड़ा एंगल चेंज करना पड़ा है। अब इसमें अपने एक्शन फोर में भाई बहुत ही बढ़िया है ना, तुमको जो माउंट है ना टेढ़ा करना पड़ेगा ना कुछ, आराम से अपना उसको मैग्नेट के क्लिप पे अटैच करो, शॉर्ट वीडियो शूट करो, फर्स्ट क्लास का। तो हम कहाँ चलें, चलो इधर से ही निकलते हैं, राजीव चौक से फिर निकलेंगे, एम्बियंस की तरफ ही चलते हैं। उम्मीद करता हूँ शायद कोई मिले ना मिले, मौसम तो भाई बढ़िया ही हो रहा है, क्योंकि मौसम भी चेंज ही हो रहा है, रात के टाइम तो भाई ठंडा लग रही है अब। ओहो होय 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 गजब, अभी इसकी सर्विस नहीं हुई तो ये ऐसा हाल है। इसका जल्दी सर्विस करवाऊंगा यार, बहुत टाइम हो गया सर्विस नहीं कर पाया मैं, 3,750 चल गई है। अगर घर नहीं गया होता ना, क्या बात है यार, मुझे देख रहे हो मर्सिडीज वाले को क्या गजब का भगा रहा है भाई, भगा रहा है गजब। आराम से चाचा, तो चलो भैया पता नहीं कब वो दिन आएगा कि मैं एक सोलो राइड पे निकलूंगा लंबी टूर पे, और वो दिन जब हाथ मजबूत होगा तभी आएगा। देख रहे हो क्या गाड़ी चला रहे हैं, देखो। अरे अरे अरे, अबे बाइक थोड़ी है मर्सिडीज, अबे देख रहे हो, भगा ले बेटा भगा ले। मैं भी भगाऊंगा साला, मैं कौन सा पीछे रहूंगा।
तो कभी ऐसे बहकावे में ना आए। अब गांव गया था, ना कैमरा था कुछ, जो मेरा जानते हो पहले मैं SJ Cam यूज़ करता था उसकी माइक हो गई थी ख़राब, तो इसीलिए गांव भी गया था बाइक से, तो भाई वीडियो भी नहीं बना पाया। जो कि 1000 किलोमीटर की बहुत सोलो राइड थी, गजब की राइड थी। जो कि सोलो राइड में भाई थोड़ा मज़ा तो आता है और गजब का भी। भाई किस किस को सोलो राइड पसंद है भाई, कमेंट करके जरूर बताना। जो भी करो अपने दम पे करो। सुपर बैठे ये बोले भैया ट्रैफिक 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 आर्मी ट्रक अजगीरा। चलो भैया पुलिस वाले पकड़ लिए हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले, चालान एंड फलान दोनों भरो भैया। तो हमको जाना है, चलो यहीं से ले लेते हैं यू टर्न यार, ज़्यादा दूर नहीं चलेंगे। हो गई एक सोलो राइड। गजब देख रहे हो, तो हम लेंगे राजीव चौक की तरफ। चलो जरा जरा महकता है। एक बार वीडियो क्वालिटी देखते हैं, पता नहीं कैसा आ रहा होगा कैसा नहीं आ रहा होगा, ब्लैक ना आ रहा हो क्योंकि सीधे आगे सनलाइट पड़ रही है। वीडियो चेक करूंगा तभी पता चल पाएगा। चलो भैया ट्रैफिक में तो फंसना ही लिखा था क्योंकि इस टाइम पे ट्रैफिक बहुत मिलता है बहुत। चलो निकल लो भैया जल्दी से। पहले जरा रुकने दे हमें तेरा फिकर। तो फाइनली आ चुके हैं हम इस लोकेशन पे जहाँ पे हम अपना वीडियो भी बनाते हैं। तो ये रही खड़ी अपनी अप्सरा यार, बहुत मिस किया हूँ 14 दिन से, बहुत मिस किया हूँ यार इसको। देख रहे हो गांव भी गया था ना तब भी बाइक नहीं धुली थी। ये पूरे देख रहे हो इसके अंदर पूरा ना वो मच्छर अभी भी चिपके पड़े हैं। तो आज नाइट में इसको मैं धोऊंगा, चमका दूंगा इसको पूरा अच्छे से चमका दूंगा। और एक चीज़ है, ये बहुत आवाज़ करता है यार, ये बहुत आवाज़ करता है, झंझनाता है, इसलिए इसको खोल कर रखना पड़ता है कि ना झंझनाए। जब वो झंझनाता है ना तो इरिटेट करता है यार, बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। तो जल्दी ही फिर निकलेंगे गांव, क्योंकि भाई अपने पास आ गया है अपना DJI Action 4। अच्छे से मोटो ब्लॉगिंग करते हुए निकलेंगे, आराम से निकलेंगे, मतलब भागते हुए भी निकलेंगे आराम से भी निकलेंगे। और सबसे पहले चीज़ ये देख रहे हो कैसे स्क्रैच पड़ गए हैं, ये सारे स्क्रैचेस पड़ गए हैं। ये तो भाई एक ऑफिस में पीछे से फोर व्हीलर ने धक्का मार दिया। और मैं अपनी गाड़ी ज़्यादातर ना पार्किंग में खड़ी करूँ या ऐसे ही न्यूट्रल में खड़ी करता हूँ, आदत सी हो गई है अब। जब आदत अब छुटानी, क्योंकि गियर में खड़ी रहेगी तो गाड़ी आगे को भागेगी नहीं। बस यही था एक छोटा सा वीडियो, सोचा एक बार थोड़ा ब्लॉगिंग भी हो जाए, 14-15 दिन हो गया है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा जय श्री राम।